अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मछली वाली मकरोनियाँ। मैं इंग्रेडिएंट्स में ले रही हूँ 160 ग्राम ये मछली है, आप कोई भी किसी किस्म की मछली ले सकते हैं। उसके अलावा मैं 5 जो है लहसुन के और छोटा पीस अदरक, प्याज एक, लीमू एक, टमाटर और एक हरी मिर्च ले रही हूँ। मसाले में मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया कुटा हुआ और 1 टीस्पून जीरा पिसा हुआ ले रही हूँ। और एक पैकेट मैंने लिया, ये 500 ग्राम आधा किलो है मकरोनियों का। और कुछ हम एक कप टमाटो प्योरे इस्तेमाल करेंगे और हसबे ज़रूरत तेल लेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लिया हमने और हमने आंच लगा दिया। हाफ कप हम ऑयल लेंगे और इसमें ग्राइंड किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे 3 से 4 मिनट में। लाइट ब्राउन हो गया, अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। दो मिनट के लिए इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब साथ ही इसमें मछली शामिल कर लेंगे। दो मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और फिर बाकी मसाला जात इसमें ऐड कर लेंगे। दो मिनट हो गए, अब हम इसमें मसाला जात डाल लेंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब इसमें टमाटर और आधे लीमू का रस शामिल करेंगे। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। आठ से दस मिनट हमारे हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से हमारे फ्राई हो गई है मछली। अब इसमें 200 ग्राम हम प्योरे शामिल करेंगे। दो से तीन मिनट के लिए इसे भी अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ग्रीन कोरिएंडर इस्तेमाल करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास फ्रीज हुआ पड़ा था तो वो मैं शामिल कर रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारा सॉस बिल्कुल रेडी है, इसको साइड पे कर लेते हैं। अब एक बड़े बर्तन में हम पानी ले रहे हैं जिसे हम बॉयल करेंगे और इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे ताकि ये आपस में ना चिपकें। ये बॉयल होने लगे है वाटर हमारा। अब इसमें हम मकरोनियाँ शामिल कर लेंगे। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। ये बॉयल हो चुकी हैं, गल गई हैं। अब इसे हम निथार लेते हैं और पानी अलग कर लेंगे। और इस तरह से हमने इसे पानी से निकाल लिया, ये हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो गई हैं। अब हम इसमें अपना मछली वाला सॉस शामिल कर लेंगे, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से हमारी मछली वाली मकरोनियाँ बिल्कुल रेडी हैं। चलिए अब सर्व करते हैं।